होम स्वीट होम। ए स्क्वायर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ फटाफट से, दिखाता हूं मैं आपको ए स्क्वायर का ड्रीम होम। सो गाइस, दिस इज माय ड्रीम होम। ओके, सो पिछले 11 सालों का सपना था, 11 साल से मैं रेंटेड अपार्टमेंट में ही रहते आया, और फाइनली हमेशा ऐसा एहसास होता था कि खुद का एक आशियाना होना चाहिए, और मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि बैंगलोर में मेरा खुद का घर होगा, और फाइनली मैंने अपना ड्रीम होम तैयार कर लिया है, और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत मेहनत से और बहुत सपने से मैंने इस घर को सजाया है, और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको सैर कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोर से एंट्रेंस। मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि फॉयर एरिया क्या होता है। फाइनली जब होम लेन में डिज़ाइनिंग पार्ट आ रहा था तो एंट्री पार्ट को उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ फॉयर एरिया जो हमें डिज़ाइन करना है। तो हमें बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए जिसमें हमें डिज़ाइन बहुत ही सूदिंग लगा, और उसके बाद हमने इसको डिज़ाइन किया। सो ये जितना भी नीचे दिख रहा है, दिस इज़ डिज़ाइन बाय होम लेन ओनली, एंड दिस मिरर, ये जो डिजाइनिंग है बेसिकली मिरर डिजाइनिंग, दैट इज डन बाय अनिल एंड कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पर कारपेंट्री वर्क है बहुत ही खूबसूरत, और उसके बाद बुद्धा जी हमने यहाँ पर विराजमान किया है, और बेसिकली बुद्धा जी हमने लिया था होम सेंटर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉयर एरिया के बाद हमारा लिविंग रूम। सो गाइज, हम लोग ऐसा चाहते थे कि हमारा जो लिविंग एरिया है वो बाकी एरिया से थोड़ा अलग दिखे, क्योंकि जब हम लोगों ने फ्लैट परचेज किया था तो ये एरिया कॉमन था किचन के साथ उस इस एरिया के साथ। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत पार्टीशन बनवाया, ये पूरा वुड पार्टीशन है जो कि अनिल एंड कंपनी ने बनाया। सो ऑसम, यू नो, आर्किटेक्चर का एक नमूना कह सकते हो आप लोग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये एक्चुअली बाकी एरिया को लिविंग एरिया से अलग करता है। सो उसके बाद चलते हैं द लेविश लिविंग एरिया में। मैं चाहता था यार मेरा लिविंग एरिया ऐसा हो जहाँ पर मुझे भी, मतलब अगर कोई सुनहरे पल बिताने हो तो मुझे बहुत 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 रिलैक्स फील हो, और ऐसे ही हमारे आने वाले गेस्ट को भी रिलैक्स फील हो। एरिया की खास बात एक और है, वो है यहाँ का आउटर व्यू। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये 21st फ्लोर है, और बेसिकली इस व्यू की वजह से हमने इस फ्लैट को परचेज किया था। के बाद लिविंग एरिया के बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि किचन एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर आपको बैठने का, रहने का, वहां पर भी एक सूदिंग प्लेस होना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं किचन को बंद नहीं रखूंगा, एक ओपन किचन जो बहुत ही ज्यादा सूदिंग हो, और एक ऐसी हो जो कि स्टाइलिश हो, मतलब अभी के वक्त के साथ मैंने जाना पसंद किया। सो इन दैट केस एक ओपन किचन हमने बनवाई जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है, और इसको भी ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा लैविश हो, इसमें नॉर्मल किचन की जैसा कुछ भी मतलब बाहर दिखे ही नहीं। सो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है, होम लेन से ही डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर एक फ्रिज जो आपको दिख रहा है बेसिकली, ये भी बहुत ही हमने क्रोमा से अगेन परचेज किया जैसे हमने टीवी परचेज किया था, और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो, मतलब मुझे वाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं चाहता था कि मेरे घर में वाइट, लाइट ग्रे ऐसे कलर्स यूज़ हों जो कि बेसिकली ब्यूटी को एनहेंस करें, और आपको कभी भी ना आँखों में चुभे नहीं, एक सूदिंग होना चाहिए, मतलब आईज मेरा देखने के बाद चुभन नहीं। मैं आपको एक स्पेशल एरिया दिखाना चाहता हूँ जो बेसिकली, यू नो, मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं बहुत सारे जहाँ पर मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को फील किया हूँ, और मैं चाहता था कि मेरे घर में एक ऐसा कॉर्नर हो जहाँ पर बैठ के, यू नो, हम लोग ऊपर वाले को, भगवान को याद कर सकें। सो हियर वी हैव अ टेम्पल, और ये भी हमने ट्राई किया कि हम जितना खूबसूरत बना सके, जितनी खूबसूरती दे सके उतना हम लोग दें। बाय द वे, इस मंदिर को डिज़ाइन करने का जो आइडिया, स्पेशली आइडिया जो दिया था वो शिखा ने दिया था, और उसके बाद अनिल एंड कंपनी, अनिल एंड कारपेंटर कंपनी ने इसे डिज़ाइन लगाता है। चलिए अब हम लोग मंदिर के बाद, किचन के बाद, और हमारे गेस्ट रूम, लिविंग रूम के बाद चलते हैं मेरे बेडरूम की तरफ। सो अगेन, मैं चाहता था यार एक बेडरूम ऐसा हो जहाँ पे पीस हो, अगर पीस होती तो ही तो नींद आती है ना। तो फाइनली उसको भी हमने लेविश बनाने की कोशिश की है। इस तरफ अरमाड़ियों दिख रहा है, लेट्स लुक एट दिस, एंड एक्चुअली दिस इज़ डिज़ाइन बाय होम लेन ओनली। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका, अगेन मुझे वाइट बहुत सूदिंग लगता है, तो वाइट, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ब्राउनिश कलर रखा है, और हमारे इसी कॉम्बिनेशन से हमने बाकी चीज़ें भी डिज़ाइन की हैं, जैसे कि पीछे का जो वॉलपेपर है अगेन होम लेन के थ्रू है। ये जो बेड आपको दिखाई दे रहा है, ये बेड हमने अनिल एंड कंपनी से बनवाया। मेरे स्टूडियो की तरफ जहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ, यू नो, लाइव क्लासेस लेता हूँ और लाइव सेशंस लेता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें यहीं से, एक्टिविटी सारी होती। सो दिस इज़ माय स्टूडियो रूम। अगेन ये जितना भी स्क्रीन एंड ऑल अभी आप देख रहे हो, ये जितना भी सेटअप यहाँ पे लगा हुआ, वो वेदांतु ने ही यहाँ पर सेटअप करवाया है कम्प्लीटली।
और यहीं से मेरी क्लासेस होती हैं, यहाँ से मैं लेक्चर लेता हूँ. ओके, और वहाँ स्क्रीन पे बेसिकली मैं देखता हूँ आपके चैट्स, और वहाँ पर मैं खुद को भी देख पाता हूँ कि एक्चुअली सब सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. आपको पता ही है कि YouTube में जो चैनल है, बेसिकली वहाँ पर सबसे पहले हमने सिल्वर प्ले बटन जीता और उसके बाद गोल्डन प्ले बटन जीता. और ये एरिया है जहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें मतलब रखने के लिए कॉर्नर बनाया है. बैंगलोर यहाँ से भी साफ दिखाई देता है. मैं आपको दिखाता हूँ गेस्ट बेडरूम, है ना. ऑब्वियसली जब आप लोग आओगे घर पे मुझसे मिलने तो मैं आपको उसी रूम में ठहराऊंगा. सो इसके पीछे का मैं आइडिया आपको बताता हूँ. बेसिकली गेस्ट बेडरूम का आइडिया क्या था, उसे बनाना कैसे था. मैं बहुत बार हम लोग बाहर जाते रहते हैं और बाहर के जो रूम्स होते हैं, होटल के रूम्स जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना. सो मैंने सोचा कि घर पे एक ऐसा कॉर्नर बना दिया जाए यार, जब भी ना बैकपैक कर रहे हो और कोरोना जैसी सिचुएशन हो तो हम लोग वहाँ पे बैठ सके. सो ये गेस्ट बेडरूम है जो बनवाया है. अगेन फील वैसी आई एकदम होटल के जैसी. तो हमने एक एरिया बना लिया कि बैकपैक करो और यहीं पे आके रह लो. नहीं, सो फाइनली ये एरिया है. ब्यूटीफुल. सो फाइनली गाइज, ये था मेरा ड्रीम होम, स्वीट होम. आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा.